ये मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिए, कोई भी आपको शेप बड़े छोटे आपने बस इसके सर पे लगाना है, स्किन पे लगे आप। मीको यू कैंट ईट दैट। मीको हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। आज मैं एक रेमेडी आपको बताने लगी हूं अनियन वाटर की। लगता तो है कि बहुत आसान सी है और जो है बहुत जगह बताया जाता है, कभी अनियन ऑयल बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, लेकिन मैं अनियन जूस बनाने के बारे में बताऊंगी। और मैं उस वक्त बता रही होती हूँ कोई भी रेमेडी या कोई भी चीज जो कि मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो। तो हुआ ये है कि मैंने जो अनियन वाटर को यूज़ किया, हालांकि वो जो मैंने अनियन वाटर बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं करी, मैंने दो तीन दफ़ा इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे उससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे थे, तो वो जो है वो काफ़ी हद तक उसको क्योर हुआ है। और आज मैं ये शेयर करूँगी कि मैं उसको किस तरह से मैंने बनाया। असल में बाल तो इतने ज़्यादा उतरने की वजह ये भी है कि यहाँ कैनेडा में जो हीटिंग सिस्टम है उसकी वजह से बाल बहुत उतरते हैं। बाल उतरने की कोई भी वजह हो उसके ऊपर भी कुछ आपको करना चाहिए उसकी ट्रीटमेंट, लेकिन हमारे यहाँ पर तो कनाडा में मुझे पता है कि हीटिंग सिस्टम की वजह से काफी ज्यादा बाल उतर रहे होते हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो है अनियन वाटर को कैसे बना रही होती हूँ और कैसे यूज करती हूँ। अच्छा, अनियन जूस की जो आपने रेमेडीज सुनी होंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो लगाना कैसे है, वो मैं जो आपको है लास्ट में बताऊंगी, वो जरूर सुन लीजिएगा कि अनियन जूस को हमने लगाना कैसे होता है जो कि इफेक्टिव हो, जो मैंने किया है तो वो उसको नोट कर लीजिएगा। मैंने ये तीन अनियन लिए हैं, अनियन जो है वो रेड अनियन लें तो ज्यादा बेहतर है, इफेक्टिव होता है रेड अनियन, और जितने छोटे हों, बड़ा भी मिल जाए कोई मसला नहीं, वाइट भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं, मगर कोशिश करिए अगर रेड अनियन है और छोटे साइज के हो जाए तो ये अच्छी बात है। तो मैंने इसको छील लेना है, उसके छोटे छोटे जो है टुकड़े मैं कर लूंगी, छील के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। जो अनियन है ये मैं इसमें जो ग्राइंडर में इसको डाल दूंगी, ठीक है, और इसमें तकरीबन बहुत ज्यादा पानी नहीं, क्योंकि हमें ज्यादातर तो जूस ही लेना है, तो ज्यादा मेरी कोशिश होगी कि मैं पानी ज्यादा ना लूँ। आधा कप मैं वाटर जो है उसमें यूज करूंगी, बस थोड़ा सा ही वाटर होगा, आधा कप वाटर ये मैंने डाला है ताकि जो है उसमें हम ज्यादातर जो है वो कंसंट्रेटेड हमारा जो है अनियन जूस जो है वो आए। वाटर इसलिए डाला कि वो हेल्पफुल हो जाता है जल्दी से पीसने के लिए, ठीक है। इसको जरा सा हिलाते रहे चम्मच से कि ताकि इसमें से इसका पानी जो है निकल जाए। देखिए इसमें से कितनी तेजी से पानी आ रहा है, ये काफी हमारे हेयर के लिए। और ये देखिए इसमें जितना भी है, मैं इसको सारे जो अनियन को मैंने ग्राइंड किया है, मैं पूरा जो है इसमें से पानी जो है इसका जो जूस है वो निकाल लूंगी। मीको अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट डन हो गया, ये खत्म हो गया सारे इसमें। और सिंस वी हैव द अनियन जूस, मैंने अनियन जूस बना लिया हुआ है, आपके पास तो खाली बॉटल हो वो आप ले लें, स्पून से भी आप यूज कर सकते हैं, ड्रॉपर यूज कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन चीज जो है वो ड्रॉपर है। अच्छा, स्प्रे बॉटल्स मैं प्रिफर नहीं करूंगी, क्योंकि स्प्रे बॉटल से जो अनियन वाटर हमने इतना कीमती सा वाटर निकाला है वो इधर उधर और सारे बालों पे लग जाएगा, जो कि हमें इतनी जरूरत नहीं है। हमें ये अनियन वाटर जो है वो स्किन पे लगाना है ताकि वो स्किन पे जाए, तो स्प्रे बॉटल जो है वो हर तरफ जो फैल जाता है। ड्रॉपर इज फैंटास्टिक इफ यू डोंट हैव, बच्चों की जो सिरिंज वगैरह होती है, मैंने भी ये बल्कि निकाल के भी रखी थी यहाँ पे, ये भी बेहतरीन चीज है, अगर अभी मौजूद हो तो आप इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी लगाया था, क्योंकि ये बहुत ही कम पानी होता है और आपको जो है वो डायरेक्टली स्किन पे ही चाहिए। आप बॉटल दे सकते हैं, ड्रॉपर दे सकते हैं, इस तरह से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज करें। अच्छा, और अगर आप डायरेक्ट डाल सकते हो दैट्स ओके। तो ये मैंने जो पानी है इसका ठीक है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो मेरे पास हफ्ते से ज्यादा दिन में यूज कर सकती हूँ, आप हफ्ते के लिए बनाइए। इसको हमें कैसे यूज करना है, आप जो इस तरह से अनियन को ऑयल बनाएंगे तो वो जो उसकी सल्फर है और दूसरी यूजफुल
उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो उसको स्किन पे नहीं लगेंगे, उसके फॉलिकल को नहीं लगेंगे। तो ये आपने इसको यूज़ करना है डायरेक्टली स्किन पे विदाउट एनी ऑयल। आप इसको इस्तेमाल करें और तकरीबन आप इसको 1 घंटे के लिए सर पे लगा रहने दें। उसके बाद आप बेशक जो है वो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। उसके बाद अच्छे से अपने जो है सर को धो लें। आपने बस इसके सर पे लगाना है, स्किन पे लगे आपकी जो है वो ना आए, बाहर ना आए। अच्छा, साथ साथ ये जो है यहाँ पे आपके, आप इसको उंगलियों से सर के आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने से हर तरफ चला जाता है ये अनियन वाटर, इसके बजाय सिर्फ आपके बालों में पोर्स पे रहे। और ड्रॉपर जो है, अगर आपके पास ड्रॉपर है तो वो भी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, इस तरह से करके आप पूरे जो है अपने सर पे आप इसको लगा सकते हैं और तकरीबन 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। होपफुली कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि मुझे तो इसने बहुत फ़ायदा दिया है। मेरे तकरीबन 90% जो बालों का जो फॉल था वो रुक गया है, और इंशाल्लाह आगे जैसे बालों की ग्रोथ होगी वो भी देखें, लंबे भी होते हैं बाल इससे काफ़ी। तो ये आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ठीक है, मुझे बताइएगा रिजल्ट कि कैसा आपके पास रिजल्ट रहा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय।